गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग कान्हा नेशनल पार्क आए हुए हैं। मुक्की गेट से आज हम लोग कान्हा जोन में सफारी करने वाले हैं। आज हमारा जोन है कान्हा। हमारी गाड़ी लग चुकी है गेट पे, देखते हैं अभी। नमस्ते नमस्ते, भारत सिंह स्वागत है आपका हमारी जिप्सी में। ये हमारे गाइड साहब आके बैठ चुके हैं जिप्सी में और हमारी जिप्सी अभी चल रही है। 25 मेगापिक्सल की फोटो रहते रवि पाटेकर। अभी हम लोग कान्हा जोन में सफारी करने जा रहे हैं। शरद गजवी है, मुक्की गेट से आज मेरे साथी है सफारी में। एक जो मित्र है हमारे वो आज नहीं आए हेतल सफारी। शरद भाऊ पाटेकर भाऊ आनी रवि भाऊ आमचे मित्र सगळे आम्ही सोबत आहोत। आज हमारा जो मेन टारगेट है यहाँ पे चक्केची आंगोड़ झाली आता कान्हा जोन में वो वल्चर है। हमने सुना है कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में वल्चर है, तो हम जिस तरह से सोच के आए कि हमें एक साथ 100-150 के झुंड में वो वल्चर मिले, तो देखते आज क्या होता है। आज मुक्की जोन से हमारी जो जिप्सी जा रही है वो कान्हा जोन में जा रही है। रास्ते के जो दोनों बाजू में कुछ काफ़ी एनिमल है, कुछ अभी अभी हमें स्पॉटेड डियर और कुछ इंडियन गोर भी क्रॉस हुए हैं। आज का जो मौसम है थोड़ा सा ठंडा है, विजिबिलिटी कम है, धूप नहीं है। कुछ अच्छे फ़ोटोज़ या कुछ अच्छे वीडियोज़ ना मिले हमें, लेकिन कोशिश है हमारी। कुछ हमें अभी मुक्की जोन में एक वल्चर दिखा था, लेकिन वो काफ़ी दूर था, फोटो तो नहीं ले पाए। दोस्तों जिसकी बात कर रहे थे अभी हम लोग, यहाँ कान्हा जोन में पहुँचने के बाद हमें यहाँ पे एक रेड हेडेड वल्चर दिखा है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। आमतौर पे जो वल्चर होते हैं ऐसे सूखे टहनी पर ऊँचे पेड़ों पे बैठते हैं। थोड़ा सा सामने आए हम लोग तो हमें और वल्चर दिखे, 2-3। ये इंडियन वल्चर है ये, और एक 4। कुल मिला के अभी तक हमने 5 वल्चर देखे यहाँ पे। इंडिया में अभी कुछ ही जगह पे जो है वल्चर पाए जाते हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो चुकी है अभी हमारे इंडिया में। ये जैकल भी दिखा है हमें, प्यास लगी है उसे, पानी पीने आया है जैकल। काफ़ी पेट भरा हुआ लग रहा है इस जैकल का, कुछ खा के आया है। थोड़ा सा ही पानी पिया और पानी के बाहर निकल गया, पता नहीं क्यों। ओहो, बहुत ही बड़ा वाइल्ड बोर है और इसी की वजह से शायद वो पानी के बाहर वो भी पानी में, या फिर हो सकता है कुछ पीछे अपने उसने अपना खाना छोड़ के आया हो और उसे ऐसा लगता हो कि कुछ और वो उड़ा ले जाएगा। ये वाइल्ड बोर बिना पानी पिए ही निकल गया। वो इसलिए देखिए थोड़ा सा सामने हम लोग आए, यहाँ पे ये वल्चर जो है स्पॉटेड डियर का कील खा रहे हैं, और आई थिंक वो जो जैकल आया हुआ था वो इसी को खा के आया। देखिए जिसकी बात उसी का कील है वो, फिर से अपने शिकार के पास आया है, कील के पास, और उसने दोनों वल्चर को वहाँ से भगा दिया है। ये शिकार मेरा है, मेरे से वैसे कोई खा नहीं सकता। बेचारे दोनों वल्चर दो साइड में खड़े हो गए, मानो पैरा दे रहे हैं कि आप कील खाइए और हम यहाँ पे पैरा देते हैं। काफ़ी बड़ा स्पॉटेड डियर मारा है, लग तो नहीं रहा कि जैकल ने मारा है, शायद मार भी सकता है। बैकग्राउंड में और भी स्पॉटेड डियर खड़े हैं, मरा हुआ है उन्हीं के साथ ही है। ये देखिए यहाँ पे जो वल्चर है बेचारा वो वेट कर रहा है कि कब यहाँ से जैकल भागेगा और हमें खाना मिलेगा। अभी कुछ
अभी कुछ और जो वल्चर है हमने आसमान में भी उल्टे देखे हैं, यानी उन्हें पता लग चुका है कि यहाँ पे जो है स्पॉटेड ग्रे का कील है वाला। और वो अभी एक एक करके अभी नीचे आना चालू करेंगे। बड़ा है लेकिन सोच के आए थे कि हमें कुछ ऐसे वल्चर मिले, ऐसे क्वांटिटी में मिले, तो आज वो नज़ारा हमें देखने मिल सकता है। देखिए जिसकी बात कर रहा था मैं, और एक वल्चर नीचे आ चुका है। धीरे 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 इनकी तादाद बढ़ती जा रही है आसमान में, और एक के पीछे एक अभी ये नीचे ज़मीन पे लैंड हो रहे हैं। जैसे ही इनकी तादाद बढ़ेगी यहाँ पे, धीरे धीरे ये जैकल को घेरना शुरू कर देंगे और वहाँ से जैकल को खदेड़ देंगे, और ये पूरी तरह से वो किल पे अपना कब्जा कर लेंगे। और यही नज़ारा हम देखने के लिए यहाँ पे काना आए थे कि कुछ ऐसा नज़ारा हमें मिले। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ तक हमारी किस्मत आज रंग लाती है। जैकल को अभी कोई तकलीफ नहीं है कल्चर की वजह से। ये देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ वल्चर जो है आसमान में उड़ते हमने देखे हैं, और जो धीरे धीरे कील की तरफ लैंड हो रहे, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, काफ़ी संख्या में वल्चर जो है अभी ज़मीन पे आ चुके हैं, और इन्होंने धीरे 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 जैकल की दिशा में बढ़ना चालू कर दिया है। आमतौर पे ये नज़ारा दोस्तों हम लोगों ने डिस्कवरी चैनल, वाइल्ड लाइफ एनिमल प्लानट या नेट जियो वाइल्ड पे देखा है। कुछ 20-25 साल पहले जब हम लोग छोटे थे, तब तो हमारे गांव में अगर कोई जानवर मरता था तो उसे लोग गांव के बाहर फेंक के आते थे। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, इन्होंने वहां से जैकल को भगा दिया है और पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दिस इज़ द पावर ऑफ कम्युनिटी। यानी आपकी जब संख्या इतनी है तो आप किसी के ऊपर भी हावी हो सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने वल्चर ने हमें दिखा दिया है। जैकल भी एक कोने में खड़ा है, ऐसा नज़ारा देखा हो। और कुल मिला के 70 से 80 के झुंड में अभी ये वल्चर यहाँ पे है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और काफ़ी 20-25 साल बाद ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और जिसकी उम्मीद लेके हम लोग कान्हा नेशनल पार्क आए थे और कान्हा झोन का सफारी लिए थे, वो आज यहाँ पे हमारा सपना पूरा हुआ। बहुत ही शानदार। ये देखिए दूर दूर तक कहीं पे भी जैकल नहीं दिख रहा है, हमारे कैमरा के रेंज में नहीं है जैकल। एक एक करके अभी ज़मीन पे लैंड होते जा रहे हैं। ये यहाँ पे गोश्त के लिए झगड़ा कर रहे हैं अभी। 10 मिनट में ये पूरा का पूरा जो बचा हुआ गोश्त है वो पूरा ख़त्म कर लेंगे, कील ख़त्म कर लेंगे ये लोग। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि ये देखिए रेड हेडेड वल्चर भी आया हुआ है यहाँ पे, और ये चीना झपटी चालू है। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि ऐसा जो नज़ारा है, जब हम छोटे थे गांव में रहते थे, तो गांव में जब कोई जानवर मर जाता था तो उसे हमारे गांव के लोग गांव के बाहर फेंक देते थे। तो वहाँ पे जब वो जो जानवर था उसको खाने के लिए हज़ारों की तादाद में वहाँ पे वल्चर आते थे, तो तब ये ऐसा नज़ारा देखते थे हम लोग। हज़ारों तो नहीं, लेकिन हमारे दिल को सुकून मिले ऐसी संख्या है अभी इनकी, यानी इतनी तादाद है अभी इनकी। देखिए धीरे 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 पूरा मिनटों में ख़त्म कर दिया। उन्होंने कुछ बचा है उसके लिए बैकग्राउंड में झगड़ा कर रहे भी वो लोग। तकरीबन अभी जो इनकी तादाद है यहाँ पे 80 या 90 के करीब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है ये। आज हम लोग जब सफारी के लिए निकले थे तो लग नहीं रहा था कि हमें कुछ ऐसा साइटिंग होगा, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था, रात में बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी सफारी हमारी बहुत अच्छी रही, काफ़ी शानदार। दोस्तों आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए, और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो
दो ही वल्चर थे। अभी देखिए इनकी तादाद कितनी बढ़ चुकी है। आप यहाँ पे कुछ हमें टिकनी भी दिखे हैं जो आमतौर पर रात में दिखते हैं, लेकिन यहाँ दिन में दिखे हैं। काफ़ी सुंदर बर्ड है ये दोस्तों। अभी आज्ञा चाय में हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। गुड डे।